रविवार को वार्ड 28 की नव नियुक्त पार्षद शारदा राय द्वारा वार्ड वासियों की सुविधा के लिए वार्ड में आयुष्मान कार्ड एवं ई श्रम कार्ड बनवाने शिविर लगवाया गया, जिसमें वार्ड वासियों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर इसका लाभ उठाया। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 28 की नवनियुक्त पार्षद शारदा राय, जो कि पूर्व एल्डरमैन अरविंद राय की माताजी भी हैं, उनके द्वारा रविवार को वार्डवासियों के लिए वार्ड में निःशुल्क आयुष्मान कार्ड एवं ई श्रम कार्ड बनवाने शिविर लगाया गया, जिसमें न्यू वे फाउंडेशन ने अपनी अहम भूमिका निभाई। ई श्रम कार्ड बनवाने हेतु लगने वाले सरकारी प्रोसेसिंग फीस को भी फाउंडेशन द्वारा वहन किया गया। वार्ड 28 में लगे इस निःशुल्क शिविर की जानकारी न्यू वे फाउंडेशन के अध्यक्ष तारक गुप्ता ने न्यूज टीम को दी, तो वहीं वार्डवासियों ने इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। मेरा नाम तारक गुप्ता है, मैं न्यू वे फाउंडेशन का उपाध्यक्ष हूँ। वार्ड 28 में आज अरविंद राय जो हमारे पार्षद हैं यहाँ के, उनसे हम लोग ने संपर्क किया कि हम लोग शिविर लगाएंगे आयुष्मान कार्ड और ई श्रम कार्ड का। उनकी अनुमति से और उनके सहयोग से पूरा सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम चल रहा है। बहुत ही हेल्प मिला उनके द्वारा और क्षेत्र की जनता भी सहयोग करी शिविर में। यह शिविर पूरा पूर्णतः निःशुल्क है। जैसा कि इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, हमें जैसा पता है, चॉइस सेंटर हो गए, लोकसभा केंद्र हो गए, इसमें कुछ एक शुल्क गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की गई, तो उसको भी आप नहीं ले रहे हैं, निःशुल्क है, तो उसका भरपाई कैसे करेंगे? सर, हमारी संस्था की तरफ से कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं स्वयं। हमारा संस्था का उद्देश्य है कि सोशल वर्क करना। रमन मिश्रा, आपके वार्ड में आज कुछ शिविर लगा हुआ है, किसके द्वारा लगाया गया और कितना? हमारे शारदा राय जी यहाँ की पार्षद बनी है, उनके लड़के अरविंद राय के द्वारा यहाँ शिविर लगाया गया है। जो इस शिविर में आयुष्मान कार्ड और श्रम कार्ड बनाया गया है। तो कितना लाभ मिल पा रहा है आप लोगों को? लाभ तो बहुत मिल रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि आशीर्वाद भी मिल रहा है, कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा है, फ्री में बनाया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे वार्ड पार्षद जी को? वार्ड पार्षद को सभी लोग बधाई दे रहे हैं और बहुत ऐतिहासिक वोटों से बच्चा जीता है। उनकी मम्मी जीती हैं, उनकी मम्मी खड़ी हुई थी और उसकी मेहनत सफल हुई है। और ऊपर वाले की कृपा होगी तो आगे भी उनका समझिए हौसला बढ़ेगा और आगे भी कामयाबी मिलेगी। फाउंडेशन ने वार्ड पार्षद शारदा राय एवं पूर्व एल्डरमैन अरविंद राय से मिलकर यह शिविर लगाने की जानकारी दी थी, जिस पर हामी भरते हुए वार्ड वासियों को सुविधा उपलब्ध कराने इस निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड वासियों ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इसका लाभ उठाया और वार्ड पार्षद का हृदय से धन्यवाद भी किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।